हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, जब हम वेस्ट चीज़ों से कोई भी यूज़फुल चीज़ बना लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इसी तरह आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर में पड़े हुए बेकार कपड़ों से घर के लिए सुंदर सी गद्दी बनाना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस, गद्दी का वेस्ट बनाने के लिए हम कोई भी पुरानी बेडशीट ले लेंगे, कोई भी पुराना फैब्रिक ले लेंगे। मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये अंदर रहेगा उसके। तो इस कपड़े को हम करेंगे डबल फोल्ड और उसके बाद इसे कट करेंगे। तो इसे हमें राउंड शेप में कट करना है, तो आप किसी थाली की मदद से उसे राउंड शेप दे सकते हैं। और इसे मैंने 18x18 इंच कर लिया है। आप चाहें तो इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने दो पार्ट लिए हैं राउंड शेप में। तो ये देखिए, इसको हम हाफ करेंगे, उसके बाद इसकी मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए, हाफ सर्कल का हम जो मेज़रमेंट लेंगे उसी का डबल कर देंगे, उसी से लंबी पट्टी निकालेंगे। मेज़र करने के बाद इसकी जो लंबाई थी वो 28 इंच आई थी, तो 1 इंच इसमें बढ़ा करके 29 इंच लेंगे क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। और अब ये देखिए डबल पार्ट है इसका, और इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो है 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लंबा बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा और 14 इंच 15 इंच का कर सकते हैं, और अगर छोटा बनाना है तो आप 10 इंच का भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों पार्ट मेरे कट गए हैं और अब हम इनकी सिलाई करते हैं। तो नीचे जो राउंड शेप है उसे सीधा रखेंगे और जो लंबी पट्टी है उसे रखेंगे उल्टा और इसे सिल देंगे। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने इसको जोड़ दिया है। अब हम जैसा मैंने ऊपर लगाया था उसी तरह से हम दूसरा राउंड शेप भी इसके साथ अटैच करेंगे। दोनों राउंड शेप मैंने पट्टी से अटैच कर दिए हैं और थोड़ी सी जगह बचा दी है जिससे कि उससे इसे हम सीधा करेंगे और वहीं से हम इसमें कतरन ऐड करेंगे। ये देखिए, सीधा कर दिया है मैंने, ये है कतरन। और कतरन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, बड़े टुकड़े नहीं डालेंगे, नहीं तो गद्दी जो हमारी है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगी। इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं और बहुत सारी कतरन इसमें लगती है। तो मेरी ये रखी है और कुछ मेरी बैग में अलग भर के रखी हुई है मैंने, तो वो सारी इसमें लगने वाली है। और एक बहुत ही अच्छा रीयूज़ होता है ये कतरन का। बहुत सारे कपड़े डले रहते हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते, फेंक नहीं पाते, उनको क्या करें समझ नहीं आता। पुराने कपड़े तो किसी को दे भी नहीं सकते, तो इसी तरह से आप उसका रीयूज़ करके ऐसी गद्दी बना सकते हैं। तो ये देखिए, गद्दी बनकर के तैयार है। सारी कतरन मैंने इसके अंदर भर दी है और अब सुई धागे की मदद से जो पार्ट खुला हुआ था उसे भी हम सिल देंगे, उसके बाद बनाएंगे इसका कवर। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो चलिए अब बनाते हैं इसका कवर। तो कवर के लिए जो भी फैब्रिक लें वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो बाहर से रहेगी ना, तो देखने में भी सुंदर लगनी चाहिए और मज़बूत भी होनी चाहिए। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे एक छोटा सा राउंड शेप मैंने 8x8 इंच का मैंने इसे कट कर लिया था, जो हम राउंड शेप में रखेंगे और वहीं से मार्किंग करेंगे हम इंची टेप की मदद से। नीचे इसको पलट देंगे, पलटने के बाद जो बीच का जो सेंटर का एरिया है वहाँ तक इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ आती है मेरी 25 इंच आ रहा है, तो 25 इंच लंबा कपड़ा हम इसमें से कट कर लेंगे। ये तो हो गई इसकी लंबाई, अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं। तो चौड़ाई में जितना भी घेरा है उसके से चारों तरफ हम कपड़ा लपेटेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। आप क्योंकि हमें प्लीट्स डालनी है यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो चलिए अब हम इसको सिलते हैं। तो ये बीच में राउंड शेप में रख दिया है मैंने, अब इसमें हम डालेंगे छोटी छोटी प्लीट्स। इतनी प्लीट्स डालनी है हमें कि ये पूरा जितना मैंने कपड़ा चौड़ाई में लिया है वो सारा कपड़ा इसी में ऐड हो जाए और बहुत सुंदर सी प्लीट्स आ जाएंगी। कवर के दूसरी साइड वाला जो हिस्सा है उसमें हम नेफा बनाएंगे, जिसमें नाड़ा डालेंगे जिसे हमें बांधना होगा। तो ये देखिए, मैंने प्लीट्स बना ली हैं और बराबर शेप की प्लीट्स बनाई हैं जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे। दूसरी तरफ मैंने नेफा भी बना लिया है जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। तो चलिए इसमें हम कवर चढ़ाते हैं। बहुत आसान है इस तरह से गद्दी बनाना। आप इसे एक दो जितनी भी आप गद्दी बनाना चाहें, जितना कपड़ा आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि जो कतरन डालेंगे उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे, नहीं तो जो गद्दी है वो हमारी सॉफ्ट नहीं बनेगी। अगर आप कतरन नहीं भरना चाहते हैं तो आप कॉटन भी भर सकते हैं, कॉटन की गद्दी और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए, इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। नीचे की तरफ जो कपड़ा मोड़ा है उसमें कोई भी मोटा धागा या फिर ऊन को इंसर्ट करेंगे और उसे अच्छे से टाइट करके बांध देंगे, और जो भी हमारा धागा बचेगा उसे हम गद्दी के अंदर ही इंसर्ट कर देंगे।
तो गद्दी बनकर के तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसके रूम में ही रखी रहती है। आपको कैसा लगा ये आइडिया, ये तो आप ही बताइएगा। इस गद्दी को आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, और जब ये गंदा हो जाए तो इसका कवर हटा करके साफ करके फिर से डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।